हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल इमेजिनरी वर्ल्ड पर। दोस्तों ये थॉट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। फ्रेंड्स हौसला रखिए, कभी गिव अप मत करिए, जो भी आपका सपना है वो जरूर पूरा होगा। और जब आप एकदम स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, तो मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद जो सक्सेस मिलती है वो सक्सेस भी उतनी ही मीठी होती है, उसका मजा भी उतना ही आता है। तो चलिए दोस्तों ये आज का थॉट था, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले की सीरीज थी भारत में प्रथम महिला पार्ट एक और पार्ट दो। उससे पहले मैंने महाद्वीपों के बारे में 7 वीडियोस बनाई हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस प्लेलिस्ट का। और जो पिछली प्लेलिस्ट थी भारत में प्रथम महिला, जिसमें 2 पार्ट हैं, 2 वीडियोस हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है। यदि आपको देखना है तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज का एक नया विषय शुरू कर रहे हैं, भारत में प्रथम पुरुष भाग एक। तो इसको हम शुरू करते हैं। और इससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड YouTube चैनल ने जो है 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। और जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो जरूर करें, क्योंकि आपको इसी तरह से ट्रिक वाइज वीडियो यहां पर मिलती रहेगी, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आज का विषय है भारत में प्रथम पुरुष को याद करने की ट्रिक भाग एक। दोस्तों आज मैंने 20 नाम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं जो भारत के प्रथम पुरुष थे उनकी। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्दों की ट्रिक बनाऊंगा, कुछ जो नाम होंगे उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और कुछ एक जो बहुत ही कॉमन है जो आपको पता होने ही चाहिए उनकी मैंने ट्रिक नहीं बताई है। 5-6 नाम ऐसे हैं जिनकी मैंने ट्रिक नहीं बताई है, बनाई है, तो आपको वो एज इट याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही कॉमन है, जैसे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, इस तरह से चीजें जो है आपको खुद ही याद रखनी पड़ेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है भारत में प्रथम पुरुष और नीचे मैंने नाम लिखे हुए हैं, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम इनको शुरू करते हैं, किस तरह से याद रखने हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो पुरुष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, हमें बचपन से पढ़ाई जाती है ये जो चीजें हैं, ये जब जीके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहली या दूसरी कक्षा, तो ये चीजें जो है बेसिक चीजें हैं, तो इसके लिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरी बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये भी बहुत कॉमन चीज है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति, ये भी बहुत कॉमन चीज है, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति, ठीक है। आगे बात करते हैं मुस्लिम राष्ट्रपति की। देखिए दोस्तों ये इतना कॉमन नहीं है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है और मैं नीचे तक सभी के लिए ट्रिक बनाई है। अब ये 3 नाम जो थे बहुत कॉमन थे, तो ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। चौथा आता है मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम पुरुष मुस्लिम राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए दोस्तों इसको किस तरह से याद रखना है। देखिए जो हमारे मुस्लिम भाई बहन होते हैं वो क्या कहते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए इस वाक्य को, मुस्लिम जो होते हैं वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर जाकर मैं बोल रहा हूँ, जाकर से ही आपको याद रखना है जाकिर, जाकिर हुसैन। ये कॉमन चीज है, ये आपको भी पता है कि जो मुस्लिम भाई बहन होते हैं वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। ये कॉमन चीज है, आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाएगी जब आपसे कोई पूछेगा, तो जाकर से बन जाएगा जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री, अभी तक कोई नहीं। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मैंने कहीं एग्जामिनेशन में देखा भी है, इस तरह से पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थे। 3 नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से एक डॉक्टर जाकिर हुसैन भी दिया जाता है। तो ज्यादातर भाई क्या कहते हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पर टिक लगा आते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, जो जाकिर हुसैन थे वो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री अब तक कोई नहीं बना है। तो वहां पर एक चौथी ऑप्शन दी भी होती है कि अब तक कोई नहीं, तो वो सोचते हैं कि कोई ना कोई होगा और वो जाकिर हुसैन पर ही टिक लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अब तक भारत में कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना है, ध्यान रहे कोई नहीं बना है। आगे आप बात करें गवर्नर जनरल की, भारत में प्रथम पुरुष गवर्नर जनरल तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये अंग्रेज थे। अब देखिए दोस्तों इसको किस तरह से याद रखना है, देखिए यहाँ विलियम बेंटिंक आ रहा है, बैटिंग बैटिंग शब्द लास्ट में निकला हुआ, विलियम भी आ रहा है। अब देखिए दोस्तों विलियम
विलियम, अब याद करिए कि विलियम खिलाड़ी किस टीम में खेलता है, क्रिकेट कौन सी टीम से खेलता है, आपके माइंड में एकदम आ जाएगा कि विलियमसन जो है वो खेलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। विलियमसन बैटिंग बल्लेबाज है, ठीक है, तो विलियमसन, हालांकि उनका नाम विलियमसन है लेकिन हम विलियम रख लेंगे कि हाँ विलियम अपने ट्रिक के लिए। तो विलियम जो है वो खेलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, वो न्यूजीलैंड के कप्तान भी हैं और बहुत ही होनहार बल्लेबाज हैं। तो अब इसको किस तरह से याद रखना है कि वो बहुत ही होनहार बल्लेबाज हैं, तो इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जो विलियमसन है वो बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं और इसलिए उनको, उनकी टीम को उन पर गर्व है, ठीक है, उन पर गर्व है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बल्लेबाज करते हैं। उन्होंने कई बार जो है न्यूजीलैंड को मैच भी जिताए हैं, बहुत अच्छी कप्तानी भी करते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो यहाँ से याद रख लेंगे कि विलियम बहुत अच्छी बैटिंग करता है, विलियम बैटिंग बहुत अच्छी करता है जिसके कारण उनको, उनकी टीम को उन पर गर्व है। गर्व से आप बना लेंगे गवर्नर, ठीक है, तो यहाँ से याद रहेगा आपको गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बैटिंग। आगे आता है वॉयस राय। अब देखिए वॉयस राय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ पर कैनिंग शब्द आ रहा है, कैनिंग कैन शब्द आ रहा है, कैन क्या होता है, जिसमें पानी भरा जाता है, ठीक है, तो जैसे ही अगर किसी ने हाथ में कैन पकड़ी और अगर उससे कोई वो छूट जाती है, ठीक है, नीचे अगर गिर जाती है तो नीचे गिरने के बाद क्या होगा, उसकी आवाज होगी, बहुत ही आवाज करेगी, ठीक है, बहुत ही आवाज करेगी, तो आवाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉइस, ठीक है, तो आवाज से बन जाएगा वॉइस। एक कैन है, कैन अगर हाथ से छूट जाए तो बहुत ही वॉइस करती है, बहुत ही आवाज करती है, तो वॉइस से आप लगा सकते हैं वॉइस राय और कैन से आप याद सकते हैं कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड तो इन दोनों के नाम के साथ है, ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वॉइस राय थे। प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये भारत के पहले, सॉरी, भारत के भारतीय जो थे वो पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे, उसके बाद कोई भी पोस्ट जो है इस तरह गवर्नर जनरल मतलब नहीं बना है भारत में, ठीक है, ये पोस्ट उसके बाद बंद कर दी गई थी, तो ये पहले भारतीय थे और आखिरी भी यही थे, तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपको इसे एज इट याद रखना है, यदि मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा तो आप इन दोनों में जो भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको एज इट याद रखिए कि जो अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर था, भारतीय कोई, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वैसे बने जो थे गवर्नर जनरल पहले भारत के वो थे लॉर्ड विलियम, लेकिन ये अंग्रेज थे, तो भारतीय जो थे वो राजगोपालाचारी थे। आगे बात करते हैं गृह मंत्री की, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए दोस्तों इसको किस तरह से याद रखना है कि गृह मंत्री, गृह क्या आ रहा है, घर, यहाँ पर आ रहा है घर, और घर में क्या जले होते हैं, बल्लभ, बहुत सारे बल्लभ जले होते हैं घरों में, ठीक है, तो बल्लभ से आप याद रख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल, या इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि गृह से मतलब घर और मंत्री मतलब जो घर का हेड होता है, उसको भी हम इस तरह से बोल सकते हैं कि पोजीशन कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि घर का मंत्री, गृह मंत्री का मतलब घर का मंत्री, तो घर का मंत्री जो है उसको हम सरदार भी बोल सकते हैं, सरदार होता है वो, ठीक है, तो यहाँ से इसको इजी है, आप इसको याद रख सकते हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे आता है शिक्षा मंत्री, बात के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, याद रहे दोस्तों ये अबुल कलाम आजाद है ना कि अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे ये भारत के पहले, तो इसको किस तरह से याद रखना है, देखिए इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है कि आजकल जो भी माता पिता हैं सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं पढ़ाई में अव्वल रहें, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उनके बच्चे पीछे रहें, पढ़े नहीं, ठीक है, तो सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहे, क्योंकि यहाँ शिक्षा से जुड़ा शब्द है शिक्षा मंत्री, तो सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अव्वल रहे, कोई भी ना पिछड़े, तो अव्वल से आप याद रख सकते हैं अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये सारे नाम आपने एक ना एक बार कभी ना कभी अपनी जिंदगी में पढ़े होंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर हिंट मिलने की जरूरत है कि ये नाम कौन से पद पर आसीन था, ठीक है, तो ये 10 नाम है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे आता दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, भारत में प्रथम जो पुरुष थे जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अब देखिए दोस्तों इसको किस तरह से याद रखना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो था लोकसभा में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं पक्ष के विपक्ष के, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो महिला की मैंने ट्रिक बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, ठीक है, तो वहां पर बहुत बहस चली रहती है और जो भी जितने भी लोग होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र से जीते हुए नेता होते हैं, मतलब गणमान्य होते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं कि गणमान्य, ठीक है, कई बार हम इधर उधर कई स्पीच देते हैं तो स्पीच देती बार भी हम कहते हैं कि गणमान्य लोग, ठीक है, तो जो लोकसभा में अध्यक्ष मतलब लोकसभा में जो सदस्य बैठे होते हैं गणमान्य बैठे होते हैं वहां पर, ठीक है, तो गणमान्य से गण शब्द से आप याद रख सकते हैं गणेश
वासुदेव मावलंकर। ठीक है, सिर्फ दोस्तों आपने ये नाम सभी पहले पढ़े होंगे, आपको सिर्फ हिंट की जरूरत होती है किसी चीज को याद करने के लिए। और आजकल जो भी परीक्षा होती है वो तो आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, सिर्फ आपको हिंट की जरूरत होती है, एकदम आपको हिंट मिल जाए तो आपको एकदम से चीज याद आ जाती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, गण से गणेश, वासुदेव मावलंकर। ओके, आगे कहते हैं बात, नौसेना अध्यक्ष, जो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे वो थे वाइस एडमिरल आर डी कटारी। देखिए दोस्तों इसको किस तरह से याद रखना है, अब देखिए सेना कोई भी हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो या फिर वायु सेना हो, तो यहाँ पर हम नौसेना की बात कर रहे हैं। तो नौसेना में मतलब आप इस तरह से याद रखिए कि जो सेना होती है, जो नौसेना होती है उसके जो अफसर होते हैं, उसके जो सैनिक होते हैं वो बहुत ही अनुशासन वाले होते हैं, और जो परेड करते हैं एकदम कतार में खड़े होते हैं, कहीं भी अगर जाना हो उन्होंने तो एकदम कतार में खड़े होते हैं या कुछ भी करना हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो भी नौसेना के जो सदस्य होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही अनुशासन वाले होते हैं, हमेशा कतार में खड़े होते हैं, हमेशा अनुशासन बरतते हैं। कतार से आप याद रखते हैं, कतार से आप याद रखते हैं कटारी। ठीक है, कतार कटारी। ठीक है, तो जो पहले नौसेना अध्यक्ष थे वो थे आर डी कटारी। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पुरुष जो थे भारत के, वो थे राकेश शर्मा। तो ये तो आप इसको याद रखते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राकेश शर्मा जो है भारत से सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। आगे बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे हीरा लाल जे कानिया। अब इसको किस तरह से याद रखना है, देखिए जो भी इतना बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई इतने बड़े कोर्ट का जज बनता है, मुख्य न्यायाधीश बनता है, तो वो तो अपने माता पिता का हीरा ही होगा, उनके लिए वो हीरे के समान है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचना भारत की तो कोई छोटी बात नहीं है, उनके माता पिता के लिए वे हीरे के समान थे। तो हीरे से आप याद रख सकते हैं हीरा लाल जे कानिया। ओके, तो ये भी इजी है। अब याद आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति। तो देखिए एक बार फिर से बोल देता हूँ, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति वो थे हसरत मोहानी। अब देखिए दोस्तों इसको किस तरह से याद रखना है, अब जिन्होंने ये पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पेश किया, उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनके दिल में आजादी के लिए हसरत थी, वो चाहते थे कि हम आजाद हों, हम गुलामी नहीं करना चाहते, उनकी ये हसरत थी कि हम आजाद हों। तो हसरत से आप याद रख सकते हो हसरत मोहानी। ओके, आगे बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति भारतीय वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए इसको किस तरह से याद रखना है, अब आपको पता है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, तो वो उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति के साथ साथ उन्होंने भारत का मतलब पहले सबसे पहले भारत रत्न भी प्राप्त किया था, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। आगे है भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी थे वो थे खान अब्दुल गफार खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी बहुत ही कॉमन जैसी चीज है, क्योंकि ये बहुत ही साहित्यकार थे रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, तो साहित्य के लिए इनको 1911 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बात करें चुनाव आयुक्त की, तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन, तो इसको आपको एज इट ही याद रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ये आज के 20 नाम थे, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज के 20 नाम पसंद आए होंगे, ये जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक तो जो है इनको चूज करके यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी इन्हीं के ऊपर होगी, लेकिन वहाँ पर मैं भाग दो लाऊंगा, वहाँ पर जो बचे हुए नाम होंगे उनके बारे में चर्चा की जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो नेक्स्ट नाम बचे हैं उनके बारे में बता सकूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले हर बार की तरह जो हर वीडियो में होता है मेरी लास्ट में वर्ड ऑफ द डे, वो वर्ड ऑफ द डे आपको बता देता हूँ, ये तो हर वीडियो में होता है, तो आज हम वर्ड ऑफ द डे को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज का टुडेज वर्ड ऑफ द डे है माइस्ट्रो, और इसका मीनिंग होता है माहिर। एक बार फिर से बता दूं आज का वर्ड ऑफ द डे है वो है माइस्ट्रो, इसका मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग माहिर, और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो वो है मास्टर, एक्सपर्ट, जीनियस, और एंटोनिम्स की बात की जाए तो टायरो और बेगिनर्स।
ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वर्ड ऑफ द डे है आज का माइस्ट्रो, इसका मीनिंग होता है माहिर। सिनोनिम्स होते हैं मास्टर, एक्सपर्ट, जीनियस, और एंटोनिम्स की बात की जाए पर्यायवाची शब्द की तो वो है टायरो और बिगिनर्स। ठीक है, अब इसकी एक बार यूसेज देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्रिकेट माइस्ट्रो सचिन तेंदुलकर ऑन थर्सडे कुड नॉट गिव हिज मेडन स्पीच इन द राज्यसभा एमिड अप्रूवल। इसका मतलब होगा दोस्तों, गुरुवार को क्रिकेट के माहिर सचिन तेंदुलकर शोरगुल के बीच राज्यसभा में अपना पहला भाषण नहीं दे सके। तो चलिए दोस्तों, ये आज का वर्ड ऑफ द डे था। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको ये मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। जो मैंने आपको 20 नाम बताए वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी और कुछ ऐसे ही नाम बताऊंगा मैं, भारत में प्रथम पुरुष भाग दो। तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन एकदम अपने मोबाइल में पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके लिए फायदेमंद हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।